नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने क्लास टेंथ के केमिस्ट्री के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूँ, जो कि क्लास टेंथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो बच्चे बोर्ड का पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ और आपको उसका आंसर भी समझाऊँगा, जिससे आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और अगर ये आपके बोर्ड में पूछा जाएगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे एनसीईआरटी का है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे दोस्तों एक क्वेश्चन आपका फिक्स है और इसमें जो इम्पोर्टेंस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, जिस टॉपिक पे आपका फ्रेम हो सकता है या पूछा जा सकता है, उन कंपाउंड्स का मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाया है और आप अगर आसानी से उसको समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो आपके एग्ज़ाम में अगर इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको कर सकते हैं। तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो जैसा कि आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे दोस्तों तो 2 और 4 हो जाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 6। तो किसी भी कंपाउंड का जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को या वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को ही उसके चारों तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये कार्बन का आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, केवल कार्बन एटम का, और ये ऑक्सीजन एटम का है। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और उसी तरह कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे शो किया है, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे आपका है जिसका आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक कार्बन एटम है जिसका आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और फिर एक आपका ऑक्सीजन एटम है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग होती है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको बना करके दिखाया है कि कैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है, इसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। देखिए ये आपके आउटर मोस्ट जो आपका कार्बन है इसके में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, और ये सर्कलिंग अगर देखते हैं हम ऑक्सीजन की तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, 2, 4, 6 और 2, 8। इसी तरह इसकी आउटर कवरिंग करेंगे तो यहाँ पे भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोस्तों हैं, 2 और 2, 4। तो टोटल ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और कार्बन के भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह से सिंपल तरीके से हम कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड है दोस्तों, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बनाना है और यहाँ पे आपको दोस्तों सल्फर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या करना हमें बनाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सल्फर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है। या दोस्तों सल्फर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? तो सल्फर मॉलिक्यूल का आपका फॉर्मूला दोस्तों होता है S8। एक सल्फर के मॉलिक्यूल में आपके 8 सल्फर के एटम्स कंबाइन होते हैं, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सल्फर का वो S8 है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सबसे पहले सल्फर का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 6। जैसा कि आपको दिख रहा है कि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। और जब ये बॉन्डिंग कर लेगा
कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा तो टोटल इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए सल्फर आपका 2 बॉन्ड बना सकता है, चाहे वो डबल बनाएगा चाहे वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए, एक आपका सल्फर का स्ट्रक्चर होता है, ये क्राउन शेप में होता है जो कि मैंने यहाँ पे आपको बनाया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तो एक ऐसे आपका क्राउन शेप में होता है जिसमें 8 आपके सल्फर के एटम्स कंबाइन होकर के एक क्राउन शेप का फॉर्मेशन करते हैं। और दूसरा आपका दोस्तों ऑक्टागोनल शेप होता है, जहाँ पे ये एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। क्या दोस्तों? रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस रिंग वाले स्ट्रक्चर का हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इजी होता है तो आसानी से इसको हम बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सल्फर के एटम को लिया है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 यहाँ पे है, ये 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन इसका है। इसी तरह ये सल्फर का मैंने दोस्तों यहाँ पे लिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 4 और ये 5 है और ये 6 है। तो ऐसे यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और दोनों एक एक सल्फर एटम आपका क्या करता है, शेयर करता है। तो इस तरह से सल्फर के आउटर मोस्ट में हम देखेंगे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 2, 4, 6 और 8। इसी तरह दोस्तों इस सल्फर के एटम में आपके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो मैंने सर्कलिंग आपका बनाया है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, 4, 6 और 2, 8। उसी तरह दोस्तों इस सल्फर के भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, 2, 4, 6 और 8। तो 6 पहले से थे, एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर एटम का है और एक इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा इस सल्फर एटम का है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जिसकी वजह से इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए, इसके भी आउटर मोस्ट में दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इसका था, एक इसे सल्फर का हो गया 7 और एक इससे इसने शेयरिंग किया है 8। तो उसी तरह यहाँ पे भी 8 आपका हो जाएगा। और आप यहाँ पे दोस्तों सर्कलिंग करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन को अच्छे से दिखाएंगे। ये जो ओवरलैपिंग दिखा रहा है, ये जो पोर्शन है, ये शेयर पे इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। जो ऊपर लैपिंग मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या हुई दोस्तों, शेयरिंग हुई है। दोनों सल्फर के एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। देखिए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, यहाँ पे भी शेयरिंग हुई है और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और यहाँ पे भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सल्फर मॉलिक्यूल का आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। काफ़ी इजी है, बट आपको थोड़ा सा इस पर एफर्ट करना होगा, और एक बार आपने अगर इसको समझ लिया आसानी से तो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर सल्फर मॉलिक्यूल का पूछेगा तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों ध्यान ये देना, हमें केयर करना है कि जो भी आप सर्कलिंग करेंगे उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 8, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी सल्फर के सर्किल को देख लीजिए, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, 2, 4, 6, 8। यहाँ पे देखिए, 2, 4, 6 और 8। तो इस चीज़ का आपको केयर करना है और इस तरह से आप सल्फर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। आपको कार्बन की दो प्रॉपर्टीज़ बतानी है जिसके वजह से वो ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। कौन? कार्बन। तो आपको पता है कि कार्बन अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहीं ना कहीं कार्बन एटम को कंसिस्ट करते हैं, वो किसी भी फॉर्म में कंसिस्ट करें। तो आपको पता है कि कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, जिसको हम वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन भी कहते हैं। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछा है, तो दो प्रॉपर्टीज़ आपके कार्बन की मैंने यहाँ पे मेंशन की है, जो कि बहुत ही सिंपल हैं। तो पहली प्रॉपर्टी दोस्तों आपकी होती है क्या, कैटिनेशन। क्या होती है? कैटिनेशन। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि कार्बन और कार्बन में ही केवल प्रेजेंट होती है, बाकी किसी भी एलिमेंट्स में आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है, एक्सेप्ट सिलिकन, जो कि इसका बड़ा भाई है,
लेकिन वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ एटम्स तक। तो दोस्तों हम यहाँ जानेंगे कि कैटिनेशन क्या होता है। सो द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब एक कार्बन एटम दूसरे से, दूसरा कार्बन एटम तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पाँचवें से, पाँचवा छठवें से, ऐसे जो सेल्फ लिंकिंग होते हैं एक कार्बन का दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, जो जुड़ते जाते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या दोस्तों बोलते हैं, कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, टेट्रावेलेंसी। सो एज पर द सिलेबस ऑफ क्लास टेंथ आपको पता है दोस्तों कि किसी भी एलिमेंट की जो मैक्सिमम वैलेंसी है वो आपकी कितनी होती है, 10। कितनी होती है दोस्तों? 10 होती है। सॉरी, वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। सॉरी, इट्स माई मिस्टेक। अकॉर्डिंग टू क्लास 10 सिलेबस, अप टू क्लास 10 सिलेबस, द मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट इज 4 एंड विच इज़ प्रेजेंट इन द कार्बन एंड वी सी इट एज अ टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा मीन्स 4। सो कार्बन हैज़ मैक्सिमम वैलेंसी, डेट इज 4 वैलेंसी, ड्यू टू विच इट फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ओके, वन मोर प्रॉपर्टी, डेट इज स्मॉल साइज। कार्बन हैज स्मॉल साइज एंड इट फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। वॉट? इट फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद मैनी अदर एटम्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन्स एंड एक्सेट्रा। सो ड्यू टू स्मॉल साइज एंड टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन एंड ऑल दिस प्रॉपर्टी मेक्स अ कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन कैन बी फुलफिल इन डिफरेंट वे, डैट इज इट मे फॉर्म 4 सिंगल बॉन्ड, या आपकी चार जो वैलेंसी दोस्तों चारों सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 2 डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है दोस्तों, 2 सिंगल, 1 डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 1 ट्रिपल, 1 सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इट मीन्स द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज ऑल्सो फुलफिल इन मैनी डिफरेंट वेज। ये जो 4 वैलेंसी दोस्तों कार्बन की होती है, इसको फुलफिल करने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं, जिसके वजह से कार्बन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का क्या करता है दोस्तों, फॉर्मेशन करता है। बहरहाल आपका सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट फॉर्म में पूछा है, 2 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप शॉर्ट में लिखेंगे कि सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम, जिसको आप कैटिनेशन बोलेंगे, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या दोस्तों बताएंगे, टेट्रावेलेंसी, डेट इज मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज 4 विच इज प्रेजेंट इनसाइड द कार्बन। सो हैविंग दीज 2 प्रॉपर्टीज कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या दोस्तों, आपको यहाँ पे आइसोमर्स का फॉर्मेशन करना है। आइसोमर्स भी दोस्तों आपके सिलेबस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट इससे इंपॉर्टेंट था, वैसे आइसोमर्स टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पुटअप होगा, जनरली वो आइसोमर आपका ब्यूटेन का हो सकता है, या थोड़ा सा अगर आपका पेपर डिफिकल्ट हुआ तो पेंटेन का पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आइसोमर्स आपकी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई एक कंपाउंड अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है दोस्तों। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन आपका यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, जिसके वजह से अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। बहरहाल देखिए आपसे दोस्तों यहाँ पूछा है पेंटेन का, तो पेंटेन एक आपका एल्केन है, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला जो दोस्तों होता है वो CnH2n+2 होता है। तो इस फॉर्मूले में हम 5 वैल्यू रखेंगे तो आपके पेंटेन का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो निकल के आ जाएगा, क्या क्या दोस्तों, C5H12, और उसको हम आइसोमर्स के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला जो आपका होता है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बनाया, ये कंडेंस फॉर्म में भी है आपका, ये CH3 है, CH2, 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 CH3। तो देखिए एक सिंपल स्ट्रक्चर है जहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन एटम है, और 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 3, 12 आपके हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे दोस्तों इसका कॉमन नेम हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन, क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन। और IUPAC नेम अगर पूछा जाएगा तो
पेंटेन। कभी कभी दोस्तों आपसे आईयूपीएसी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आपको फुल फॉर्म क्लियर होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ बॉन्ड फॉर्म में भी पेंटेन के स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्लियर होगा कि हर कार्बन एटम कितना बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है। देखिए, एक यहाँ हाइड्रोजन के साथ, दूसरा यहाँ हाइड्रोजन के साथ, तीसरा यहाँ हाइड्रोजन के साथ और चौथा कार्बन के साथ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सारे कार्बन एटम दोस्तों कितना बॉन्ड फॉर्म किए हैं, फोर बॉन्ड फॉर्म किए, वो भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड के जो कार्बन है वो तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग किए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और मिडिल के जो कार्बन एटम्स हैं वो दोस्तों दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग किए हैं और एक एक बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वो कार्बन एटम के साथ फॉर्म किए हैं। तो पहला आपका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा पेंटेन का। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों पेंटेन का दूसरा स्ट्रक्चर दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे। तो CH3, CH, CH2, CH3, एक एंड का दोस्तों जो CH3 था उसको हमने सेकेंड प्लेस वाले कार्बन पे ला करके पुटअप कर दिया, तो आपका एक ये भी स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका दोस्तों जो कॉमन नेम हो जाएगा इसको बोलेंगे हम आइसो पेंटेन। क्या बोलेंगे? आइसो पेंटेन। इसका जो दोस्तों आईयूपीएसी नेम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2-methyl butane। क्या हो जाएगा? 2-methyl butane। आईयूपीएसी के रूल्स होते हैं दोस्तों कि जिस एंड से ब्रांचिंग आपकी नियरेस्ट होती है हम कार्बन की काउंटिंग उसी एंड से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और नीचे से करेंगे तो 1, 2, 3। तो इस एंड से अगर करते हैं तो 3 पे ब्रांचिंग आती है, यहाँ से करते हैं तो 2 पे ब्रांचिंग आती है। तो हम कार्बन की काउंटिंग इसी एंड से करेंगे 1, 2, और आपका CH3 ग्रुप है ब्रांचिंग में, इसको मेथिल ग्रुप बोलते हैं। तो 2 पे आपका मेथिल ग्रुप है, तो 2-methyl और 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, इसलिए ब्यूट वर्ड लगाएंगे, सारा का सारा सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। तो इसका नाम हो जाएगा 2-methyl butane। आप यहाँ पे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, बॉन्ड फॉर्म में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों बॉन्ड फॉर्म में भी मैंने आपका दिखा दिया है। और देखिए हर कार्बन आइटम ने 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, मैंने नंबरिंग कर दी 1, 2, 3, 4 कार्बन आइटम। और ये आपका ब्रांचिंग में चला जाएगा क्योंकि पैरेंट चेन में दोस्तों यही 4 कार्बन आपके आएंगे, ये आपका ब्रांचिंग में चला जाएगा। तो ये भी स्ट्रक्चर है आपका, बन जाएगा यहाँ पे 2-methyl butane का। ये भी एक आइसोमर है आपके दोस्तों पेंटेन का। चलिए दोस्तों तीसरा स्ट्रक्चर जो आपके पेंटेन का है वो दोस्तों इस तरह से कुछ है। यहाँ पे देखिए एक और कार्बन एटम को ला करके हमने सेकंड कार्बन पे जोड़ दिया CH3 ग्रुप को, तो इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर अब फॉर्म हो चुका है। यहाँ पे जो आपका सेंटर पे कार्बन है वो हर तरफ से चारों जो इसके बॉन्ड है वो CH3 ग्रुप से फॉर्म्ड है, और ये तीसरा आपका स्ट्रक्चर है पेंटेन का। इसका जो कॉमन नेम दोस्तों हो जाएगा वो नियो पेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों IUPAC का जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2,2-dimethylpropane। देखिए दोस्तों पेरेंट चेन हमारी ये हो जाएगी, और ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप आपका ब्रांचिंग में हो जाएगा। ब्रांचिंग वाले को हम प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं, दोनों दो ही कार्बन पे हैं, तो 2,2-dimethylpropane आपका हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने बॉन्ड फॉर्म में भी इसको बना दिया है, तो देखिए एक्सपेंड करके बना दिया है। ये इस कार्बन है आपका 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे देखिए हर कार्बन का 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है, लेकिन जो सेंटर का आपका कार्बन है वो 4 CH3 ग्रुप से आपका बॉन्डेड है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 3 आइसोमर्स हो जाएंगे पेंटेन के। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइक्लोपेंटेन का आपका दोस्तों क्या पूछ रहा है? फॉर्मूला पूछ रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो जैसा कि हमें दोस्तों पता है जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं
इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो एल्कीन का ही फॉर्मूला होता है CnH2n, लेकिन यहाँ पे साइक्लो वर्ड लग जाता है तो इसका मतलब ये क्लियर होता है कि आपका साइक्लिक एल्केन्स होते हैं। तो आपका यहाँ पे जो जनरल फार्मूला हो जाएगा साइक्लो एल्केन्स का वो क्या हो जाएगा दोस्तों, CnH2n। पेंटेन है तो मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम दोस्तों कितना है, 5 है, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू दोस्तों कितनी रखेंगे, 5। और 5 रखने के बाद जो आपका फार्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, C5H10। तो मॉलिकुलर फार्मूला जो हमारे पेंटेन का दोस्तों आ गया है वो क्या है, C5H10। जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि आपका ये जो साइक्लो पेंटेन है वो 5 कार्बन का बनेगा और पेंटागोनल शेप में आपका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, जो इसमें सारे कार्बन आइटम जो हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से आपके बॉन्डेड होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दिया है साइक्लोपेंटेन का। देखिए ये कार्बन के आइटम बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है और ये भी सिंगल बॉन्ड है, और इस तरह से ये क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो दो वैलेंसीज हैं आपके हर कार्बन की वो हाइड्रोजन से फुलफिल हुई आप देख सकते हैं। बाकी दो आपके जो वैलेंसीज है वो कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्डिंग में है और दो दो वैलेंसी जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ फुलफिल हो रही हैं। तो इस तरह से सारे कार्बन एटम्स ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोस्तों दिखाया है ये कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है। ये जो स्टार मार्क्स मैंने किया वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ब्लू कलर से दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन को दिखाया है। तो यहाँ पे इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग इस हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन जो आपका ये कार्बन है इसने इस कार्बन के साथ शेयर किया और एक इस कार्बन के साथ शेयर किया है। तो इस तरह से इसने टोटल कितने बॉन्ड बनाए दोस्तों, 1, 2, 3, 4। और आपको पता है कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं कि हर कार्बन एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। यहाँ पर भी दोस्तों कितने हो जाएंगे, 8। देखिए कैसे 2, 4, 6, 2, 8। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका भी आपका 8 हो जाएगा, ठीक है, इस कार्बन का भी 2, 4, 6, 8। यहाँ पे भी दोस्तों इस कार्बन का भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2, 4, 6 और 8। तो इस तरह से आप साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले आप उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाइए और बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने के बाद उस बॉन्ड को इरेज करके दो दो इलेक्ट्रॉन्स दिखा दीजिए और उसके बाद वहाँ सर्कलिंग करके आप उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पे आपको दोस्तों क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कुछ आपके कंपाउंड्स दिए हैं। तो पहला आपका दोस्तों क्या है, इथनोइक एसिड। क्या दोस्तों, इथनोइक एसिड, इसको हम दोस्तों एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं और विनेगर के कंटेंट में आपका ये प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप दोस्तों होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है, COOH आपका जो होता है फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। और आपका एक कार्बन एटम के साथ आपका ये बॉन्डेड होता है तो इसका जनरल फॉर्मूला जो हो जाएगा RCOOH, यहाँ पे R आपका एल्किल ग्रुप होता है। ठीक है दोस्तों, RCOOH इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, किसका दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH आपका होता है, तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर होता है कि एक कार्बन आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O के साथ और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करता है।
और आपका ये मिथिल ग्रुप है तो CH3 आपका हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी कार्बन की, ये बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ और इस बॉन्डिंग आपकी ये जो है वो कार्बन के साथ है। तो इस तरह से आपका इसका स्ट्रक्चर बनता है किसका, इथेनोइक एसिड का, CH3COOH। आप ऐसे भी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं या तो आप बॉन्ड फॉर्म में बेसे दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए ब्रोमो पेंटेन, ये भी काफ़ी सिंपल है, 5 कार्बन है तो 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ पे ब्रोमीन आपका ऐड है दोस्तों, क्या ऐड है, ब्रोमीन जो कि आपका एक फंक्शन ग्रुप होता है वो आपका ऐड है। तो इसको हम एंड पे लगा देते हैं, एंड वाले कार्बन पे, चाहे आप इस एंड पे लगाइए और चाहे इस एंड पे लगाइए, और बाकी जो कार्बन की वैलेंसीज बची हैं उसको हमने हाइड्रोजन से फिलअप कर लिया है ऐसे, और ये आपका हो गया स्ट्रक्चर तैयार किसका, ब्रोमो पेंटेन का। आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे, CH3 CH2 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 CH2, और ये BR, ये भी आपका फॉर्मूला है किसका दोस्तों, स्ट्रक्चर है ब्रोमो पेंटेन का। तो आप ऐसे बॉन्ड फॉर्म में दिखा सकते हैं या ऐसे नॉर्मल कंडेंस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, दोनों ही आपके स्ट्रक्चर हैं किसके, ब्रोमो पेंटेन के। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका है ब्यूटेनोन, किसका दोस्तों, ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोनिक ग्रुप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे C डबल बॉन्ड O ऐसे होता है, और दोनों साइड से आपके ये जो कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, तो दोनों साइड से आपकी चेन एक्सटेंड कर सकती है। तो इसलिए आपका ये जो कीटोनिक ग्रुप होता है वो दोस्तों नॉन टर्मिनल ग्रुप होता है, ये हमेशा कंपाउंड के बीच में आपका ऐड होता है कीटोनिक ग्रुप। तो 4 कार्बन है तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और 1 कार्बन दोस्तों आपके कीटोन ग्रुप का ही होगा, तो टोटल 3 कार्बन की आपकी यहाँ पे चेन हो जाएगी, और 1 कार्बन यहाँ मिला देंगे फंक्शनल ग्रुप का, तो 4 कार्बन आपका हो गया। डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन का फंक्शनल ग्रुप के साथ होता है ऑक्सीजन के साथ, और बाकी सारे कार्बन जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड से आपके बॉन्डेड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर किसका, ब्यूटे नोन का। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखिए 1, 2, 3, 4 कार्बन है, कीटोनिक ग्रुप है, तो इसलिए आपका ये क्या हो गया, ब्यूटे नोन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों हेक्सेनल, तो यहाँ पे एल्डिहाइड लगा है दोस्तों, क्या लगा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो जनरल रिप्रेजेंट होता है CHO, या इसको ऐसे दिखा सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, ऐसे आपका ये होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है, 6 कार्बन है, और आपका जो एल्डिहाइड है ये टर्मिनल ग्रुप होता है, ये चेन के हमेशा दोस्तों एंड में आपका अटैच होता है, तो मैंने यहाँ पे आपका CH2 ग्रुप अटैच कर दिया। तो 1 कार्बन यहाँ पे हम फंक्शन ग्रुप का ऐड करेंगे, और आपकी जो चेन रहेगी उसमें 5 कार्बन ही रहेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, और एक इस आप एल्डिहाइड ग्रुप का लेंगे तो 6 कार्बन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये बन गया हेक्सेनल, और बाकी जो कार्बन की वैलेंसीज हैं वो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के साथ फुलफिल कर ली है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 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 CHO। तो इस तरह से भी लिखेंगे तो ये भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, हेक्सेनल का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज एन होमोलॉगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होमोलॉगस सीरीज क्या है, अक्सर आपका बोर्ड के क्वेश्चन में पूछ देता है। तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि होमोलॉगस सीरीज मे बी डिफाइंड एज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो होमोलॉगस सीरीज दोस्तों होती है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होती है, फैमिली होती है, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। जब कार्बन की फैमिली होगी तो इनका फंक्शनल ग्रुप दोस्तों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाएगा तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है दोस्तों वो भी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। एंड सक्सेसिव मेंबर ऑफ विच डिफर बाई CH2 ग्रुप और 14U बाई मास। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि होमोलॉगस सीरीज इज़ अ सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप
एंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, बट ईच मेंबर ऑफ दिस ग्रुप मे वेरी फ्रॉम वन अनदर बाई CH2 ग्रुप और 14 U बाई मास। तो हर एक एडिशन मेंबर दोस्तों एक दूसरे से CH2 ग्रुप से वेरी करेगा, और अगर मास के टर्म में लेंगे हम तो 14 U बाई मास से वो क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेकर के आपको समझाया है, CH3OH एथेनॉल होता है, सॉरी मेथेनॉल होता है, एक कार्बन है तो मेथेनॉल आपका हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट मेंबर दोस्त हो जाएगा वो एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। C2H5OH आपका एथेनॉल हो जाएगा, इसी तरह आपका फिर प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल आपका होता चला जाएगा। तो एक कार्बन दो कार्बन ये आपका एथेनॉल है, ये तीन कार्बन के साथ आपका प्रोपेनॉल है दोस्तों, यह आपका मेथेनॉल है, ये आपका एथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, ऐसे। तो एक एक कार्बन आपका दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे कि हर मेंबर में क्या है, CH2 ग्रुप का वेरिएशन है, और यहाँ पे सब में फंक्शनल ग्रुप जो दोस्तों लगा हुआ है वो किसका है दोस्तों, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसी तरह की सीरीज ऑफ कंपाउंड हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। ये आपका एल्केन में भी होता है, एल्कीन में भी होता है और एल्काइन में। जैसे CH4 आपका हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, CH4 पहला हो जाएगा, दूसरा C2H6 हो जाएगा, तीसरा C3H8 दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में वेरिएशन किसका है, CH2 का है, यहाँ पे भी दोनों में किसका वेरिएशन है, CH2 का है। तो इसी तरह से जो CH2 ग्रुप का वेरिएशन होता है कंपाउंड की एक सीरीज मिलती है, इसी को हम होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय कैटेनेशन। जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ पे कैटेनेशन को ही पूछ दिया है, और कह रहा है कि नेम टू एलिमेंट्स विच एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी। तो ऐसे दो एलिमेंट्स का नाम बताइए जो इस प्रॉपर्टी को कंसिस्ट करते हैं। तो जैसा कि कैटेनेशन को हमने डिफाइन किया था अभी जस्ट, फिर भी देख लेते हैं, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच चेन और रिंग्स। तो दोस्तों आपका जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एक कार्बन एटम की दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से होती है टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। ये चेन आपकी स्ट्रेट हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, या रिंग के फॉर्म में हो सकती है। इसी प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन बोलते हैं, जिनकी साइज़ भी क्या होती है दोस्तों, डिफरेंट होती है। इन सब की साइज़ क्या हो सकती है, अलग अलग आपकी हो सकती है। इसी प्रॉपर्टी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, कैटेनेशन, ठीक है दोस्तों। जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम विद अनदर कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब आपका पूछा यहाँ पे कि दो एलिमेंट्स बताइए जो कैटेनेशन को एग्जिबिट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है पहला कार्बन है, दूसरा इसी का बड़ा भाई जो आपका होता है दोस्तों सिलिकन, ये भी कुछ हद तक आपका कैटेनेशन शो करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सिंपल है, क्या है, व्हाट आर द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम कॉल्ड, ठीक है दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं जिनका आपका दोस्तों मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। तो अभी जैसे हम लोगों ने पीछे इसको भी पढ़ा था, आइसोमर्स, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोस्तों आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो वही आपका यहाँ पे पूछ रहा है आइसोमर्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने लिया है दोस्तों, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर क्लैश करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम एन अल्कोहल यूज एन एंटीसेप्टिक। तो उस अल्कोहल का नाम बताइए जो कि एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज़ होता है स्किन के लिए। तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों, लेकिन बहुत बच्चों को ये पता नहीं है। तो आपका वो अल्कोहल क्या होता है दोस्तों, एथेनॉल। यही आपका दोस्तों बेवरेज के लिए भी यूज़ होता है, जो ड्रिंकिंग के लिए अल्कोहल यूज़ करते हैं उसका भी कंटेंट आपका ये होता है, एथेनॉल ही आपका मेन कंटेंट उसमें होता है, और ये एंटीसेप्टिक का भी वर्क करता है। तो एथेनॉल आपका यूज़ होता है एंटीसेप्टिक के फॉर्म में स्किन वगैरह के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपका अल्कोहल कौन सा हो जाएगा, एथेनॉल। बेवरेज में भी आपका यही
यूज़ होता है। मेथनॉल दोस्तों आपका टॉक्सिक इन नेचर होता है एंड इट इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। उसका जो फॉर्मूला होता है वो CH3OH होता है, ये आपका मेथनॉल होता है, लेकिन ये आपका टॉक्सिक इन नेचर होता है, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं पीने के लिए या किसी और। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्वेश्चन, नेम द इंडस्ट्रियल प्रोसेस बाय विच वेजिटेबल ऑयल्स कन्वर्टेड इनटू वनस्पति घी। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बताइए जिस प्रोसेस की हेल्प से आपका जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो वनस्पति घी डालडा वगैरह में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को दोस्तों बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइड्रोजिनेशन। दोस्तों ये टॉपिक तो आपके सिलेबस का नहीं, लेकिन क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में, मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थोड़ा सा लगा, मैंने इसको यहाँ पे पुट अप कर दिया। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, जिसमें आपका जो वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह होता है हाइड्रोजन का एडिशन करके इसको हम सॉलिड फॉर्म में वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का दोस्तों क्या है, देखिए, नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 3 डबल बॉन्ड। तो एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल दीजिए जिसमें कितने बॉन्ड हो? 3 बॉन्ड हो। तो दोस्तों इसका जो एग्जांपल हमारा हो जाएगा वो बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बेंजीन। और इसका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो C6H6 होता है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, जनरली बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है और इसमें अल्टरनेट ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन एक साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, इसलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पुट अप होंगे तो आप उस क्वेश्चंस को प्रॉपरली अटेंड करेंगे, और जो मार्क्स आपका मेंशन होगा उस क्वेश्चन के लिए उस मार्क्स को आप पूरी तरह से ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं अपनी समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे दोस्तों को, सभी दोस्तों को धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।